आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्प्रेडशीट के क्वेश्चन के हवालों से, ठीक है। कैपलिन किट के क्वेश्चन है स्प्रेडशीट के, तो वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट है आपके सामने बनी हुई, ठीक है, और एक सेल पे बॉक्स आया हुआ है, तो इस सेल को आप क्या कहते हो, ठीक है। तो जिस सेल पे आप काम कर रहे हो, जिस सेल पे बॉक्स आया हुआ है, ठीक है, वो सेल, उसको आप बेसिकली एक्टिव सेल कहते हो, बाय डेफिनेशन तो एक्टिव सेल होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, यू प्रिपेयर अ बजट यूजिंग स्प्रेडशीट प्रोग्राम, आपने एक बजट बनाया स्प्रेडशीट प्रोग्राम के तहत, द न्यूमेरिकल डेटा इज प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म, यानी कि जो न्यूमेरिकल डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे लास्ट जो रिकॉर्डिंग में हमने देखा था कि वो नंबर्स में प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी इस तरह लिखा हुआ है न्यूमेरिकल फॉर्म में, बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा एक टेबल की फॉर्म में आपने उस तरह अरेंज किया हुआ है। हाउएवर द टेबुलेटेड डेटा कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन ऑल्टरनेटिव और एडिशनल फॉर्म्स, वो कह रहा है कि ये जो टेबुलेटेड डेटा यानी कि जो नंबर्स की फॉर्म में आपने लिखा हुआ है, इसको आप बाकी फॉर्म्स में भी यूज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली बाय स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी कि ये जो टेबुलर फॉर्म में आपका न्यूमेरिकल डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा के थ्रू आगे क्या चीज है जो कि स्प्रेडशीट नहीं कर सकती, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म में डेटा का मतलब क्या है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में देखा था, जब हम चार्ट्स बना रहे थे कि एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, या कंपनी की सेल्स लिखी है डिफरेंट डिविजन्स में, ठीक है, कंपनी ए कंपनी बी उसकी सेल्स डिफरेंट जगह पे, ऐसा डाटा दिया हुआ है, तो ऐसे डाटे को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हो, ठीक है। उसने ये पूछा है किस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक्सेल नहीं करेगा। सबसे पहले है बार चार्ट, बार चार्ट में तो करेगा, वर्ड्स, वर्ड्स में नहीं करेगा, किसी न्यूमेरिकल डेटा को जो टेबुलर फॉर्म में हो, एक्सेल कभी भी वर्ड्स में जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको बार चार्ट में यस कर सकते हैं, ठीक है। आप पाई चार्ट उसका बना सकते हो, आप ग्राफ बना सकते हो, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा या टेबुलर डेटा को उसका आप ग्राफ बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, हर तरह के चार्ट बना सकते हो, लेकिन वर्ड्स में वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते आप, ठीक है, वो वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ना प्रेजेंट हो सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि उसने यही पूछा हुआ कि विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट स्प्रेडशीट से रिलेटेड है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट, स्प्रेडशीट कंटेन्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स, नहीं, स्प्रेडशीट में जो है आपके सेल्स होते हैं, वर्कशीट्स होती हैं, डेटाबेस में आपके रिकॉर्ड्स और फाइल्स होती हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। मोस्ट स्प्रेडशीट हैव अ फैसिलिटी टू अलाउ डेटा विद इन देम टू बी डिस्प्लेड ग्राफिकली, यस, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अ स्प्रेडशीट कुड बी यूज टू प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, यस। अब इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, सेल्स में से जो है ना आप अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट माइनस करो, तो यस स्प्रेडशीट से आप ये कर सकते हो, इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो। अ स्प्रेडशीट इज मोस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा के लिए स्प्रेडशीट यूजफुल नहीं है, उसके लिए डेटा बेस यूजफुल है, ये आपको पता होना चाहिए कि डेटा बेस यूजफुल है। तो सिर्फ स्टेटमेंट टू और थ्री करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद 150 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एडवांटेज ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओवर मैनुअल अप्रोचेस, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का क्या फायदा है एज कम्पेयर टू मैनुअली आप अगर चीजों को रिकॉर्ड करें, सिक्योरिटी, स्पीड, एक्यूरेसी, लेजिबिलिटी, ठीक है। स्पीड, स्पीड देगा, स्पीड बिल्कुल, यस स्पीड में इजाफा होगा, एक्यूरेसी में इजाफा होगा, बिल्कुल एक्यूरेसी में इजाफा होगा क्योंकि स्प्रेडशीट सारा काम कर रही है तो कैलकुलेशंस ठीक होंगी, लेजिबिलिटी होगी, यस, ठीक है, लेजिबिलिटी का मतलब होता है कि मतलब रिलायबिलिटी आप उसको कह सकते हैं, इस किस्म का मतलब होता है, ठीक है, तो लेजिबिलिटी होगी। सिक्योरिटी जो है ना स्प्रेडशीट में, ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एक चीज है, तो ये एक्सपोज है वायरसेस से, हैकिंग से, इवन द जनरल सिस्टम फेलियर से। आप स्प्रेडशीट बनाते बनाते आपका सिस्टम में मसला हो गया, वो फेल हो गया, जो फाइल आपने इतनी प्रिपेयर की हुई सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा, तो देखें ना एक सिक्योरिटी का तो इशू है ना, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कभी भी 100% सिक्योर होना उसको बहुत मुश्किल होता है, सिक्योरिटी जो है ना क्वेश्चन मार्क है, तो इसीलिए जो थ्री स्टेटमेंट है ना ये एक एडवांटेजेस हैं स्प्रेडशीट के, ठीक है, टू थ्री एंड फोर, सिक्योरिटी का जो है ना यहाँ पर नहीं होगा। अब वो कह रहा है कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट, द सेल्स F1 to F12, F1 to F12 कंटेन्स द सेल्स फॉर 12 months ऑफ द ईयर इन सीक्वेंस विद जनवरी सेल्स इन F1 एंड फिनिशिंग द दिसंबर सेल्स इन F12। कंपनी पॉलिसीज फॉर द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ईच मंथ टू बी 10% ऑफ बजटेड सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ।
Which of the following will generate the budgeted production for March next year? सबसे पहले तो आपको budgeted production का formula आना चाहिए. materials वाले chapter में हमने पढ़ा था budgeted production का formula क्या होता है. Sales plus closing inventory of units minus opening inventory of units. तो वो कह रहे हैं कि spreadsheet है उसमें column में जो है ना F1s column और वो F1 से F12 तक आपने January to December की sales लिखी हुई है. ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने कहा है कि जो सेल्स है आपकी जिस मंथ की उसका 10% है. ठीक है, और ओपनिंग इन्वेंट्री आपको नहीं बताई हुई, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको पता है कि पिछले पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री इस पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है. अगर कंपनी की पॉलिसी है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो हर मंथ के सेल्स का 10% है, इसका मतलब है पिछले मंथ की सेल का 10% इस मंथ की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी. तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो है ना मिस्टेक है. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या मिस्टेक है, आपको समझ आ जाएगी. अब मैं इस क्वेश्चन को अगर फॉर एग्जाम्पल फॉलो करता हूँ, ये मैंने डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, मुझे सारी महीने की सेल्स चाहिए नहीं, जरूरी नहीं है, सिर्फ शुरू वाली चाहिए, मैंने मार्च के निकाल. देखिए उसने ये लिखा हुआ है ना कि F1 से लेके F12 तक आपकी सेल्स हैं, तो मैंने भी वही लिख दी. अब वो पूछ रहा है मार्च की जो है मार्च की प्रोडक्शन यूनिट्स क्या होगी. ठीक है, तो प्रोडक्शन यूनिट्स आपने मार्च के निकालने, तो प्रोडक्शन यूनिट्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है मटेरियल चैप्टर में कि सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री. सेल्स यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री आप माइनस करते हैं. सेल्स यूनिट्स मार्च के कितने, मार्च के सेल्स यूनिट फॉर एग्जाम्पल है 220. मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूले की फॉर्म में बताऊंगा. क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने कहा है कि हर साल हर महीने का जो 10% है ना सेल्स का वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं. ठीक है, 10% का मतलब होता है 0.1 भी. ओपनिंग इन्वेंट्री उसने कहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री उसने बताई भी तो नहीं है, लेकिन कंपनी की अगर पॉलिसी है कि हर मंथ की सेल्स का 10% हर मंथ की सेल्स का 10% जो है अगर वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो इसका मतलब है पिछले महीने की क्लोजिंग इन्वेंट्री इस महीने की ओपनिंग इन्वेंट्री है. पिछले महीने की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, मार्च का हमने निकालना है, तो फरवरी की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो होगी 0.1, यानी कि फरवरी का वो इस महीने की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी. प्रोडक्शन यूनिट्स अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री होगा 2222. ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए बता दिया. अगर मैंने इसका काम एक ही सेल में करना होता, जैसे उसने जो मुझसे फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो मैं यहाँ पर वो करता हूँ कि अगर मैंने प्रोडक्शन निकालनी होती उसका फॉर्मूला क्या था, देखें इज इक्वल टू, वो से देखिएगा, क्योंकि सेल्स उस महीने की आ गई, सेल्स प्लस उसी महीने का जो है सेल्स का 10%, सेल्स का 10% ये हो गया. ठीक है, उसी महीने की सेल्स का 10% क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, माइनस पिछले महीने की सेल्स का 10% आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, क्योंकि पिछले महीने की क्लोजिंग इस महीने की ओपनिंग है. माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें निकालनी है जो कि पिछले महीने सेल्स का 0.1, और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया मेन. तो देखिए मेरे पास 222 आ गया. एक और ऑल्टरनेटिव वे है, एक और ऑल्टरनेटिव वे है इसको सॉल्व करने का, प्रोडक्शन यूनिट्स और से देखिएगा, इस महीने की मैंने सेल्स ली उसका मैंने 1.1% ले लिया, यानी कि 110%, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री का 10% इसमें ऐड ही तो होना था ना, ऊपर हमने ऐड ही तो किया था 220 का 10%, तो क्यों ना मैं 220 को डायरेक्ट 1.1 यानी कि 110% से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मेरे पास इकट्ठा आ जाए. तो ये सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर इकट्ठी आ गई, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने लेनी है, और ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले महीने की क्लोजिंग होगी तो वो होगी 200 का 0.1. अगर इसको मैं क्लोज करूं तो ये मेरा आंसर आ गया. अब देखें दो फॉर्मूलाज मेरे पास आ गए, एक ऐसे आ गया और एक ऐसे आ गया. अब मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ. अब क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि उन्होंने F4 और F3 सेल्स दिए हुए जबकि सेल्स F2 और F3 हैं, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अगर मैं फॉलो करूं तो आपके सामने मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक 12 महीनों की सेल लिखी है, और अगर उसने मेरे से मार्च की पूछी हुई है तो इसका मतलब ये है कि मार्च की जो है वो F3 बनता है. ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए मुझे F2 का पिछला लेना पड़ेगा. ये यहाँ पर एक मिस्टेक है, आपने याद रखनी है. ठीक है, जो F3 है वो F2 होगा. यहाँ पर ये एक मिस्टेक हुई है. ठीक है, F3 F4 के इसने यहाँ पर एक मिस्टेक की हुई है, ये आपने अपने जहन में रखनी है. या तो इसने यहाँ पर मिस्टेक ये की होगी कि उसने अप्रैल का पूछा होगा. ठीक है, ये इसने अप्रैल का पूछा होगा, तो मेरे हिसाब से तो उसने यहाँ पर मार्च का नहीं पूछा, अप्रैल का पूछा हुआ. ठीक है, अप्रैल की निकालो, तो अप्रैल की निकालने के लिए मैं यहाँ पर चेंजेस कर दूंगा. ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा वर्किंग करता हूँ. ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने सारा कुछ किया. मैंने अप्रैल की निकालनी है तो मैं वही काम करूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, अप्रैल की जो है 170 है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा
1.1 से, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस करनी होती है ना सेल्स यूनिट्स में, तो अगर सेल्स 170 है तो मैं डायरेक्ट 110% से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप अलग भी करें 170 का 0.1 लेके ना 10% लेके उसमें ऐड भी करें, स्टिल यही आंसर आएगा। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर मेरे पास इससे आ जाएगा, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, पिछले महीने की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हर कंपनी की पॉलिसी है कि हर महीने की सेल्स का 10% क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, तो मल्टीप्लाई पर मैं यहाँ पर 0.1 कर दूंगा, ठीक है 10% यानी कि, तो ये मेरे पास 165 आ जाएगा। तो मेरा ताल्लुक तो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से है, तो फॉर्मूला जो है ऊपर क्या है, F4 मल्टीप्लाई बाय 1.1 माइनस F3 मल्टीप्लाई बाय 0.1। एक ये तरीका है, और एक तरीका दूसरा ये वाला भी है कि आप क्या करें, यहाँ पर आप सेल्स लें अप्रैल की अगर हम निकाल लें, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इसी का जो है वो 10% होगी यानी कि 0.1, माइनस पिछले महीने की 10% जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी इस पीरियड की, तो ये स्टिल यहाँ पता रहता है, यहाँ पर मैंने 10 ले लिया, मिस्टेक है, तो देखें स्टिल आंसर सेम आ रहा है। तो इस फॉर्मूले के तहत भी हो जाता है, आपने ऊपर फॉर्मूला देखना है ठीक है, और इस फॉर्मूले के तहत भी हो जाता है ठीक है। तो इन दोनों में से जो है ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1.1 वाला, ये 1.1 मल्टीप्लाई बाय F3 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय F4। तो यहाँ पर स्टिल जो है ना इन्होंने यहाँ पर ये गलती की हुई है, F4 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 से और F3 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, F4 मल्टीप्लाई बाय 1.1, मल्टीप्लाई का साइन ये होता है, F4 मल्टीप्लाई बाय 1.1 माइनस F3 मल्टीप्लाई बाय 0.1। देखिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं इसके, आप बेशक आंसर स्कीम में भी चेक करें ना, उधर भी उन्होंने यही लिखा हुआ है कि ऐसे ही कैलकुलेट करना है ठीक है, कि इस महीने F4 का 10% देना है, तो F4 तो अप्रैल हो गया ना, और पिछले महीने F3 का 10% माइनस करना है, तो वो तो मार्च के लिए हो गया, तो यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की हुई है ठीक है। अब वो जिस महीने जिस मर्जी महीने का पूछें, आपने सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेल शीट पे भी देखना आपको नजर आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, F4 मल्टीप्लाई बाय 1.1 माइनस F3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सेल्स के हिसाब से ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आपने परेशान नहीं होना, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपने बस वही शो करवाना है। तो अगर तो उसने अप्रैल की पूछी हुई है तो ये F4 मल्टीप्लाई बाय 1.1 माइनस F3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 है, यही आंसर आपका होगा ठीक है। ये यहाँ पर मिस्टेक है तो इसमें कोई परेशान नहीं होना, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर स्टार भी कर देता हूँ, आप इसे खुद भी रिव्यू कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको समझ आ गया तो बस ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मेटिंग सेल्स। जब आप सेल्स को फॉर्मेट करते थे, मैंने डिफरेंट तरीके आपको बताए थे, जनरल, नंबर, करेंसी, इसमें से कौन सा चीज है जो नहीं होती उसमें, तो रैपिंग टेक्स्ट जो है। अब रैपिंग टेक्स्ट जो है वो उसमें होता है, रैपिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट में होता था ठीक है, जब हम फॉर्मेट की अलाइनमेंट चेक कर रहे थे, आप चेक करेंगे ना वहां पर जाके दोबारा अपनी शीट पे खोल के, तो अलाइनमेंट में ये चीज ऑप्शन अवेलेबल होती है। यूजिंग ग्राफिक्स अगर आपको याद हो तो फॉर्मेटिंग में कोई ग्राफिक्स ट्राफिक का चक्कर नहीं था कि ग्राफिक्स कैसे यूज करने, तो फॉर्मेटिंग में ये नहीं होता, तो ये आंसर है ठीक है। बाकी यस, नंबर्स को सेट करना, क्या टू डेसिमल प्लेसेस करना है, 1000 सेपरेटर वो था, हमने किया भी था। फॉन्ट का साइज चेंज करना, कलर शलर, ये भी हमने किया था, तो ये भी होता है। तो हमने बताया था क्या चीज नहीं होती उस फॉर्मेट वाले ऑप्शन में, तो यूजिंग ग्राफिक्स नहीं होता। इसके बाद है, विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड अ स्प्रेडशीट बी मोस्ट यूजफुल। रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यस, इस रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग के लिए स्प्रेडशीट यूजफुल है। एनुअल स्टाफ अप्रेजल, स्टाफ अप्रेजल का मतलब ये होता है कि आप स्टाफ की परफॉर्मेंस का रिव्यू कर रहे हैं, तो वो तो आप फेस टू फेस भी उन्हें बता सकते हैं ना, उसके लिए तो स्प्रेडशीट की जरूरत नहीं है। राइटिंग अ न्यूज लेटर, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करें, स्प्रेडशीट यूज करने की क्या जरूरत है। कैटेगराइजिंग प्रोडक्ट बाय डिफरेंट रेंजेस ऑफ फैक्टर्स, प्राइस, लोकेशन, कस्टमर डेटा, लॉन्च, ये जो सारा कुछ है ना, ये क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को डिफरेंट हिसाब से कैटेगराइज करना है, लोकेशन, कस्टमर, डेट, लॉन्च, तो इसमें डाटा ज्यादा चाहिए होगा, तो ये डाटा बेस के लिए यूजफुल है। रिपोर्टिंग के लिए जो है ना स्प्रेडशीट आपका यूजफुल होगा। इसके बाद उसने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल जनरेट करेक्ट फिगर फॉर सेल D9। जो सेल D9 है, ये जो आंसर इसका आया है किस फॉर्मूले के तहत आया है, तो टोटल इनफ्लोज आप निकालने हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि जितने इनफ्लोज हैं आप उनको ऐड कर रहे होंगे, कैश सेल्स, कैश फ्रॉम डेटर्स, डिस्पोजल और अदर, इन सबको आप ऐड करेंगे तभी टोटल आएगा। तो D9 का पूछा हुआ, तो इसका मतलब है कि इन सब चीजों को आपने ऐड किया होगा, तो अब किस फॉर्मूले के तहत किया होगा नीचे देखते हैं।
सम इज इक्वल टू है ही नहीं, अगर इज इक्वल टू पीछे डाला हुआ ही नहीं है फॉर्मूले के, तो इसका मतलब एक्सेल उसे सॉल्व करेगा ही नहीं। तो पहले दो ऑप्शन तो है ही नहीं। दूसरा, सम D5:D8, यस, कि सम आप करेंगे ब्रैकेट दबाएंगे D5 to D8 में ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ये सारा ये आंसर आ जाएगा। इसमें मिस्टेक ही है कि इन्होंने ये किया हुआ, तो ये चीज एक्सेल नहीं करता, ठीक है। कॉलन होता है, रेंज ऑफ सेल्स जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ऐसे कॉलन होता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। इसके बाद वो कह रहा है, फिगर्स इन अ स्प्रेडशीट सेल हैव बीन फॉर्मेटेड एज नंबर। आपने फॉर्मेट खोला और उस फिगर्स को आप नंबर फॉर्मेट कर रहे हैं, उस ऑप्शन में क्या चीज आपके पास अवेलेबल नहीं होगी टू एडजस्ट, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, ये देखें टेबल। अगर नंबर है ना, नंबर अगर आप फॉर्मेट कर रहे हैं, तो नंबर फॉर्मेट करने के लिए डेसिमल प्लेस की उसकी एडजस्टमेंट की ऑप्शन होगी, नेगेटिव नंबर फॉर्मेट की ऑप्शन होगी, 100 सेपरेटर की ऑप्शन होगी, करेंसी सिंबल की ऑपरेशन ऑप्शन नहीं होती। करेंसी सिंबल जो है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 155 का। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई नंबर पे क्लिक करता हूँ, इस पर मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट सेल्स। अब उसने क्या, अगर मैं नंबर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, तो ये नंबर पे मैं गया तो देखें डेसिमल प्लेसेस है, यस है, 1000 सेपरेटर है, यस है, नेगेटिव नंबर एडजस्टमेंट है, यस है, लेकिन करेंसी वाली आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही नंबर वाले ऑप्शन में। इसका मतलब है कि करेंसी आपका आंसर होगा। इसी तरह फिर उसने पूछा कि आप फॉर्मेट कर रहे हो अकाउंटिंग सेक्शन में जाके, उसमें क्या चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो अकाउंटिंग सेक्शन में आप जाओगे तो उसमें आपके पास बेसिकली नेगेटिव नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाले सेक्शन में नेगेटिव नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। ये टेबल के थ्रू भी आप देख सकती हैं, देखिए नेगेटिव नंबर फॉर्मेट वाला ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और आप एक्सेल पे जाके भी देख सकते हैं, मैं यहीं से जाता हूँ अकाउंटिंग पे, तो देखें यहाँ पर आपको बस सिंबल है करेंसी का, डेसिमल प्लेसिस का भी है, लेकिन नेगेटिव नंबर फॉर्मेटिंग का नहीं है। 1000 सेपरेटर अकाउंटिंग फिगर्स का ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है, इस टेबल को भी आप देख ले, ऑटो लिखा हुआ है। तो अकाउंटिंग में आपके पास नेगेटिव नंबर फॉर्मेट की एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए नेगेटिव नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शन ही होगा। टेबल जो मैंने बताया ना, ये टेबल जरूरी है, आपने देखना है। बट वट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग ब्रैकेट्स इन द स्प्रेडशीट फॉर्मूला। तो ब्रैकेट्स अगर आप स्प्रेडशीट में यूज करते हो तो इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट्स वाली चीजें पहले सॉल्व होती हैं, तो ऑप्शन सी आंसर होगा कि द कंटेंट्स ऑफ ब्रैकेट्स आर कैलकुलेटेड फर्स्ट। अब एक स्प्रेडशीट है, उसमें ये सारी सेल्स फिगर लिखी हुई है, डिफरेंट रीजन हैं, डिफरेंट टाइम हैं। अब वो पूछ रहा है कि आपने चार्ट बनाना है, क्यों चार्ट बनाना है, ट्रेंड्स देखने के लिए, ट्रेंड्स देखने डिफरेंट रीजन्स का ट्रेंड। तो कंपाउंड बार चार्ट आप यूज कर सकते हैं, यस, कंपाउंड बार चार्ट हम क्यों करते थे, कंपैरिजंस और ट्रेंड्स के लिए, तो ये तो आप यूज कर सकते हैं। लाइन चार्ट आप यूज कर सकते हैं, यस, लाइन चार्ट भी हम क्यों यूज करते थे, ट्रेंड्स एनालिसिस के लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। पाई चार्ट जो है आप यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पाई चार्ट जो है वो तो टोटल को पार्ट में करके बताता है ना, कि टोटल के पार्ट में उसकी सिग्निफिकेंस बताता है, तो कंपेरिजन तो वो फैसिलिटेट नहीं करता ना ट्रेंड। तो इसका मतलब है 1 और 2 ही आंसर होगा आपका, ऑप्शन जो है वो बी आंसर होगा। अब वो कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ एरर डज एन एक्सेल गिव व्हेन यू ट्राई टू डिवाइड इट बाय द ब्लैंक सेल। अगर आप एक्सेल को ब्लैंक सेल को इन अदर वर्ड्स आप जीरो भी कह सकते हो, ठीक है, अगर आप ब्लैंक सेल से किसी चीज को डिवाइड करेंगे ना, तो इसका मतलब है आपके पास कौन सा एरर आएगा, डिवाइड बाय जीरो एरर आएगा, ठीक है। जब अगर आप किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो जो एरर आता है, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी करके दे देता हूँ, ठीक है। ये आपने यहाँ पर किया इज इक्वल टू, आपने कोई भी नंबर उठाया उसको ब्लैंक सेल से डिवाइड कर दिया किसी भी, देखें ये वाला एरर आ गया, क्योंकि एक्सेल जो है खाली सेल को जीरो कंसिडर करते हैं, तो ये वाला एरर आता ही तब है जब आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करो, इसलिए डिवाइडर जीरो नंबर आ गया। व्हाट टाइप ऑफ एरर मैसेज डज एन एक्सेल गिव व्हेन यू प्लेस इनवैलिड आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन। मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट अगर आप दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि ऐसी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो या ऐसी आप कैलकुलेशन दे रहे हो जो एक्सेल के स्कोप के बियॉन्ड है, तो उस वक्त जो है ना एक्सेल आपको नम एरर देगा, ठीक है, नम एरर। मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके भी दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से, ठीक है, फिर मैं काम करता हूँ इसको ब्रैकेट में डालता हूँ, ब्रैकेट में डालता हूँ, और ब्रैकेट में डाल के इसकी मैं पावर भी बहुत सारी ले लेता हूँ, इसको एंटर करूंगा तो देखें नम एरर आ गया, क्योंकि ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एक्सेल है। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि ऐसी चीज जो कि एक्सेल के स्कोप के बियॉन्ड है, ये वाला एरर आपके पास आएगा।
फिर वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस अप्लाइड टू द कंप्यूटर स्प्रेडशीट, द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम डिफाइन्स अ सेल, यस रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को आप सेल कहते हो, डेटा इज ऑर्गेनाइज इन रोज कॉलम, यस रो एंड कॉलम में डेटा ऑर्गेनाइज होता है, एन इंटायर पेज ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ वर्क बुक, नहीं वर्क बुक तो पूरी उस फाइल को कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, ठीक है, एक पेज को वर्कशीट कहते हैं, ईच कॉलम इज आइडेंटिफाइड बाय नंबर, नहीं कॉलम तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच थे, 1 2 3 4 नंबर थे, ये गलत है थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। इसके बाद 162 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग स्प्रेडशीट सेल्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कंसर्निंग स्प्रेडशीट वो ठीक है, अ फॉर्मूला इन अ पर्टिकुलर सेल मे कैलकुलेट नंबर्स फॉर सेवरल सेल्स, नहीं एक पर्टिकुलर सेल का जो फॉर्मूला है वो दूसरे सेल्स के लिए नंबर कैलकुलेट नहीं करता, उसी के लिए करता है, ठीक है, तो ये तो गलत बात होगी। दूसरा है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंड टेक यू टू द लास्ट सेल यू एंटर्ड एनी थिंग इन टू, आप अगर ये प्रेस करेंगे तो आप जो है लास्ट सेल में चले जाएंगे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास ये है कंट्रोल और ये एंड, तो नहीं कंट्रोल और एंड से तो ये नहीं हो रहा, लास्ट सेल ऑफ एक्सेल में मैं नहीं जा रहा, उसने क्या कहा है प्रेसिंग, एक मिनट 162 है ना, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंड टेक्स यू टू द लास्ट सेल यू एंटर्ड एनी थिंग इन टू, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने आखिरी चीज यहाँ पर 1 2 3 डाली, 12 डाली, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं कंट्रोल एंड दबाता हूँ, नहीं तो वो मुझे इस इधर लेके जा रहा है, यानी कि इस 12 पे लेके नहीं जा रहा, तो ये गलत बात है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद अगली चीज है प्रेसिंग, थर्ड चीज है ईच सेल कंटेन टेक्स्ट नंबर और फॉर्मूला, यस एक सेल में टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर जिसको वैल्यू बोलते हैं, और फॉर्मूला भी हो सकता है, बिल्कुल थ्री स्टेटमेंट ठीक है। प्रेसिंग कंट्रोल एंड होम टेक्स टू द सेल ए वन, कंट्रोल होम से सेल ए वन पे आप चले जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कंट्रोल और होम दबाया मैंने, तो यस मैं ए वन पे चला गया, तो इसका मतलब जो जो चीजें हमने मिस की है ना वो यहाँ पर आ रही है, तो आपने साथ साथ समझना है इनको, ठीक है, तो 3 और 4 ठीक है, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी सही है। अब 163 है, 163 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर फॉर्मेटिंग डेटा इन स्प्रेडशीट, फॉर्मेटिंग आप क्यों करते हो, टू मेक टेक्स्ट लेबल्स मोर विजुअली मोर इंटरेस्टिंग, तो क्या ये रीजन है, यस देखें ना फॉर्मेटिंग आप करते थे, बोल्ड कर दिया, कलर्स दे दिए, तो विजुअली एक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना, तो ये तो ठीक है। टू गेट डाटा इन टू करेक्ट ऑर्डर फॉर एनालिसिस, नहीं फॉर्मेटिंग का ये पर्पज तो नहीं था, टू मेक नंबर मोर डिस्क्रिप्टिव ऑफ व्हाट दे रिप्रेजेंट, यस यस डिस्क्रिप्टिव आप कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने अगर कोई फिगर डाली है करेंसी की, तो फॉर्मेटिंग में जाके आप जब करेंसी डालेंगे तो एक मजीद डिस्क्रिप्टिव फिगर आ जाएगी ना कि पैसों की रुपीज की बात कर रहा है, उसमें डिस्क्रिप्टिव चीज में एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, तो यस फॉर्मेटिंग का ये मकसद हो सकता है। टू मेक द डेटा अपीयर एज प्लेन टेक्स्ट, नहीं फॉर्मेटिंग में तो हम डेटा जो है या टेक्स्ट को उसको तो हम डिफरेंट फॉन्ट्स में और डिफरेंट तरीकों से एडजस्ट करते थे ना, फॉर उसका ये मतलब तो नहीं था कि आप प्लेन टेक्स्ट में रखोगे, तो ये तो गलत बात हुई, ठीक है, तो मेरे हिसाब से 1 और 3 ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका आंसर होगा। वो पूछ रहे हैं कि रैप टेक्स एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग फंक्शन है, वो क्या करता है, ठीक है, तो प्लेसेस अ बॉर्डर अराउंड द हाइलाइटेड टेक्स, नहीं वो तो शेडिंग वाला करता था, इंक्रीज द हाइट ऑफ रो कंटेनिंग टेक्स टू दैट होल ऑफ द टेक्स इज विजिबल, सो दैट होल ऑफ द टेक्स इज विजिबल, तो यस रैप टेक्स का ये काम होता है, मैं आपको भी बता भी देता हूँ, जैसे मैंने अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, अब यहाँ पर मैं जाता हूँ फॉर्मेट में, फॉर्मेट पे मैंने आपको बताया था कि अलाइनमेंट में ऑप्शन होता है रैप टेक्स का, ये है रैप टेक्स, मैंने क्लिक किया ओके किया, तो देखें रो है उसको बड़ा कर दिया ताकि जो वर्ड है वो मुझे सही से पूरा नजर आ सके, ये पर्पज होता है रैप टेक्स्ट का, ठीक है, इसीलिए जो है ऑप्शन बी आंसर होगा। इसके बाद है 165, व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रिंटिंग ऑप्शन इन एक्सेल, यानी कि जब आप कंट्रोल प्लस पी दबाते हो तो डिफॉल्ट ऑप्शन क्या होता है, एक्सेल उसका क्या बताता है कि इसमें आपने जो है ना प्रिंट करना है इस मोड में या इस साइज में ना, वो तो चेंजेस आप कर सकते हो जब आप खुद एक्सेल में जाके कंट्रोल पी दबाएंगे तो डिफरेंट चीजें आएंगी, लेकिन डिफॉल्ट क्या होता है, इसमें डिफॉल्ट जो है वो ये होता है ऑप्शन सी, यानी कि पोर्ट्रेट होता है और ए विदाउट ग्रेड लाइंस, बाकी ग्रेड लाइंस डालनी हो या पेपर साइज डिफरेंट करना हो आप वो कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट ऑप्शन ये वाला है। इसके बाद व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग अ ट्रेंड, ट्रेंड आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है न्यू मोबाइल टेलीफोन्स का,
उसकी सेल्स का फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2011, यानी कि एक ही मोबाइल फोन है, उसके ट्रेंड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो क्या चीज जो है वो यूजफुल होगी? पाई चार्ट यूजफुल होगा? नहीं, पाई चार्ट ट्रेंड्स के लिए होता ही नहीं है, बार चार्ट होता है ट्रेंड्स के लिए, लेकिन बार चार्ट जो है बेसिकली वो आप यूज कर सकते हैं, यस एक वो वे है। बार चार्ट जो है वो कंपैरिजन भी करता था, मेन काम से कंपैरिजन था और ट्रेंड भी होता था। ट्रेंड कैसे, वो बार्स की फॉर्म में पता चलेगा कि यार जनवरी को इतनी सेल है, दिसंबर को इतनी है। फिर टेबल तो नहीं करेगा, लाइन ग्राफ भी करता है। लाइन ग्राफ अगर आपको याद हो तो ऐसे ग्राफ होता था जैसे ये है, अब आपने मोबाइल फोन की सेल्स जो है ना उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, तो ऐसे एक लाइन बनी होगी, ठीक है? तो लाइन ग्राफ जो है ना आपको ट्रेंड ज्यादा बेहतर बना रहा होगा कि सेल्स कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है? बार चार्ट आपको ऐसे बार के फॉर्म में बताएगा, ये यहाँ पर ऐसे एक सिंगल बार होगा, जनवरी कितनी है, फरवरी कितनी है, मार्च कितनी है, उसकी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो बार चार्ट और लाइन ग्राफ दोनों आपको बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने मोस्ट इफेक्टिव वे पूछा हुआ है, तो इसका मतलब है लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि लाइन ग्राफ जो है वो मोस्ट इफेक्टिवली आपको ये चीजों की इसके बारे में बता सकते हैं। ट्रेंड्स को सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे में डेमोन्स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही करते हैं, बार ग्राफ भी करता है, बार चार्ट भी करता है, लेकिन वो ज्यादा उसका काम कंपेरिजन का होता है। तो ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन डी, उसने इसीलिए लिखा हुआ है इफेक्टिव वे, नहीं मोस्ट इफेक्टिव वे। अब वो पूछ रहा है कि आपका आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हो, आपका फ्रेंड सेल्स डिपार्टमेंट में है, उसने आपसे कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगी है और आपसे कहा है कि जी फाइनेंस डायरेक्टर को पता है कि मैंने आपसे चीज रिक्वेस्ट की है। फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो हेड होता है अकाउंट्स और फाइनेंस का, आपको क्या करना चाहिए? प्रिंट आउट द इन्फॉर्मेशन एंड गिव इट टू देम, गिव देम योर कंप्यूटर पासवर्ड एंड लेट लेट देम यूज योर कंप्यूटर, डिक्लाइन द रिक्वेस्ट, कंफर्म द रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर। बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका एक सेल्स डिपार्टमेंट वाला बंदा आपसे चीज मांग रहा है और कह रहा है कि फाइनेंस डायरेक्टर को पता है, आपने सिंपली एश्योर करना है कि डायरेक्टर को पता है या नहीं, अगर तो डायरेक्टर ने आकर दी तो दे देना, सिंपल, ठीक है? रिक्वेस्ट को आप डिक्लाइन भी ऐसे नहीं कर सकते, ना उसको आप पासवर्ड दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं दे सकते उसको, और प्रिंट आउट भी नहीं दे सकते विदाउट एनी अथॉरिटी। तो सिंपली आपने कन्फर्मेशन करनी है, अगर तो आपके हेड को पता है वो, अगर उसने ये चीज कही हुई है और अगर वो कन्फर्मेशन दे देता है, तो आपने उस रिक्वेस्ट को कंफर्म करके बंदे को दे देना है, तो ऑप्शन डी। फिर उसके बाद कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है प्रिंट आउट करने के लिए, ठीक है? तो सिंपली कंट्रोल प्लस पी, उसके बाद इसका मतलब है कि ओके आएगा तो ओके क्लिक कर देना। इसके बाद अगला है 169। ऑन एन एक्सेल स्प्रेडशीट अ वैल्यू इज टाइप्ड इनटू अ सेल एज 10.567, द सेल इज फॉर्मेटेड एज नंबर जनरल। तो इसमें वो पूछ रहा है हाउ विल बी द नंबर अपियर इन द सेल, नंबर कैसे अपियर होगा सेल में। नंबर और अगर जनरल ऐसे अगर फॉर्मेट इसमें हुआ है, नंबर का मतलब है नंबर और जनरल का मतलब है जो उसका जनरल है, मतलब वही सेम जो है वही होगा। 169 का जो है वो बी होगा, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप गए, ये एक नंबर है, मैं यही नंबर में क्वेश्चन वाला डाल देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो। 10.567, 10.56 में आप गए और जनरल में गए, तो देखें वही बता रहा है 10.567, ये देख लीजिए सैंपल में, इसका मतलब है वही फिगर होगी नंबर जनरल में, 10.567 होगा। इन द फॉर्मेट सेल नंबर्स, अगर आप जाते हो पहले नंबर में जाते हो फिर परसेंटेज में जाते हो, तो 0.25 कैसे शो होगा, 25% शो होगा, 0.25 25% शो होगा, क्योंकि आप परसेंटेज फॉर्मेट कर रहे हो ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.33, तो 33% शो होगा। उसने क्या कहा कि आप पहले नंबर में जाते हो, वो फॉर्मेट में जाते हो सॉरी, फिर आप नंबर्स में परसेंटेज सेक्शन में जाते हो, तो देखिए 33.00 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज वो परसेंटेज शो कर रहे हैं, आप चेंज कर सकते हो लेकिन डिफॉल्ट वो यही शो करेगा। इसका मतलब है कि अगर 0.25 है तो 25.00% शो करेगा। इसके बाद जो है इफ सेल B3 कंटेन्स अ वैल्यू ऑफ 10.567 एंड सेल B4 कंटेन्स द फॉर्मूला राउंड B30, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू कंटेन्ड इन सेल B4 वुड बी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर आप लोगों को याद हो राउंड फंक्शन क्या है, तो अगर आपने जीरो किया हुआ है तो इसका मतलब है राउंड ऑफ पूरा मुकम्मल हो जाएगा, तो 10.567 11 बन जाएगा, ठीक है? 10.567
10.567 जो है वो 11 आपका बन जाएगा, क्योंकि आपने जीरो किया हुआ। अगर यहाँ पर आप वन करते तो आपको वन डेसिमल प्लेसेस होता, 10.60 बन जाता, ठीक है। अप टू अगर वन करते तो 10.6 बनता, अगर टू करते तो 10.57 बनता। तो जीरो किया इसका मतलब है कंप्लीट राउंड ऑफ करना है, तो 11 बन जाएगा। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात आ रही है कि अगर आपने सेल के एड्रेस को एब्सोल्यूट करना है तो कौन सा आप फंक्शन यूज करते हो। तो अगर आपको याद हो कि मैं डॉलर का फंक्शन यूज करता था, अगर तो मैंने रो को एब्सोल्यूट करना है तो मैं रो से पहले डॉलर डालता था, अगर मैंने कॉलम को एब्सोल्यूट करना है तो मैं कॉलम से पहले डॉलर डालता था, अगर मैंने दोनों को करना है तो मैं दोनों से पहले डॉलर डालता था। एब्सोल्यूट का मकसद ये होता है कि एक चीज जो कि आपने रेफर अगर आपने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है, मगर उसमें से एक चीज आपने वही रहने देनी है, वो चीज नहीं करनी, तो आप उसको रेफरेंस देते थे जिसका नाम था एब्सोल्यूट रेफरेंस।